दोस्तों ज्यादा नहीं, कुछ साल पहले ही लोगों को चांद पर रहना नामुमकिन लगता था, लेकिन अमेरिका चांद पर बस्ती बसाने की तैयारी कर रहा है। इतना ही नहीं, अमेरिका इसके लिए अरबों रुपये खर्च भी कर रहा है। शायद इंसान की सोच अब ये भी हो जाए कि यदि संभव हो तो पृथ्वी पर जब कभी संकट आए तो मंगल ग्रह पर जाकर रहने लग जाए। हमारे सौर मंडल में धरती एक ऐसा मात्र ग्रह है जहां पर अभी तक जीवन संभव हो पाया है। धरती के अलावा दूसरे ग्रहों पर अभी खोज चल रही है और वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि उन ग्रहों पर भी जीवन हो सकता है या जीवन रहने लायक उन ग्रहों को बनाया जा सकता है, जिसमें सबसे पहला नाम आता है मंगल ग्रह का, जो कि पृथ्वी से बिल्कुल निकट है और इस पर जीवन होने की संभावना दूसरे ग्रहों के बजाय काफी ज्यादा है, क्योंकि यह पृथ्वी के पास ही है और सूर्य से काफी दूर है, जिसके कारण इस पर ज्यादा गर्मी भी नहीं होती, लेकिन इसके ऊपर सर्दी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इसके ऊपर जीवन पनपने के लिए उचित वातावरण अभी तक नहीं है। हम सब जानते हैं कि जीने के लिए ऑक्सीजन बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, जिसके बिना व्यक्ति शायद कुछ ही सेकंड के लिए जी पाए, और ऐसे ग्रहों पर जीवन में होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि वहां पर ऑक्सीजन की भारी कमी है और पृथ्वी पर ऑक्सीजन काफी मात्रा में उपलब्ध है, इसलिए यहाँ पर जीवन संभव है। लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार आने वाले सालों में वह चांद और मंगल जैसे ग्रहों पर मनुष्य के रहने लायक वातावरण बना देंगे और वहां पर भी मनुष्य रह सकेंगे। मंगल ग्रह पर जीवन ढूंढने के पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि पृथ्वी कभी ना कभी नष्ट हो जाएगी, इसलिए मानव जाति को बचाने के लिए वैज्ञानिक अन्य ग्रहों पर जीवन तलाश रहे हैं, ताकि जब पृथ्वी नष्ट हो तब मनुष्य जाति बची रहे। पृथ्वी नष्ट होने के कई कारण हो सकते हैं। आज का मानव पृथ्वी को खुद नष्ट कर रहा है और इसकी मौत मनुष्य के हाथों में होगी, लेकिन जैसे ही पृथ्वी नष्ट होगी वैसे ही पूरी मानव जाति नष्ट हो जाएगी। तो इसी डर से हम अन्य ग्रहों पर जीवन की तलाश कर रहे हैं और शायद वैज्ञानिक अन्य ग्रहों पर जीवन जीने लायक वातावरण बना सके, लेकिन दूसरे ग्रहों पर जीवन संभव नहीं है और इसका कारण यह है कि वह तो सूर्य से बहुत ज्यादा दूर या वह सूर्य से बहुत ज्यादा नजदीक है। पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जो सूर्य से बिल्कुल सही जगह पर स्थित है, इसलिए यहाँ पर ना तो गर्मी ज्यादा होती है और ना ही ज्यादा सर्दी होती है। यहाँ पर बिल्कुल जीवन जीने लायक वातावरण है और ऐसा वातावरण किसी अन्य ग्रह पर बनाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हम किसी भी ग्रह को सूर्य के पास या उससे दूर नहीं ले जा सकते और इसी कारण उस ग्रह पर जीवन की संभावना कम हो जाती है। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह है, जिसके अंदर बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ग्रह सिर्फ गैसीय है, जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ गैस ही है। इसके अलावा बुध और शुक्र ग्रह सूर्य से काफी नजदीक है, जिसका तापमान 250 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा रहता है। अब बच गया मंगल ग्रह, जो कि पृथ्वी के पास है, लेकिन इसकी भी एक समस्या है कि इस पर तापमान में भारी गिरावट आती है, क्योंकि वह सूर्य से काफी ज्यादा दूर है, तो इसका मतलब यहाँ पर तापमान पृथ्वी के मुकाबले और भी ज्यादा कम हो जाता है। मंगल ग्रह पर जीवन संभव नहीं होने का सिर्फ एक ही कारण नहीं है कि वहाँ का तापमान कम है, इसके और भी कई कारण है। आखिर क्यों मंगल ग्रह पर अभी भी जीवन संभव नहीं है, या आगे आने वाले समय में कैसे इसके ऊपर जीवन संभव किया जा सकता है, यही जानकारी आपको इस पोस्ट में दी जाएगी। अब तक मंगल ग्रह के ऊपर 55 मिशन किए जा चुके हैं, उनमें से 15 मिशन को सफलता मिली है और अभी भी चल रहे हैं। दो सबसे ज्यादा सफलतापूर्वक रहे हैं वह सबसे ज्यादा जानकारी हासिल करके लाए है। व्यास के आधार पर देखा जाए तो मंगल ग्रह हमारी पृथ्वी से आधा है। मंगल ग्रह के घूमने की प्रक्रिया और मौसम चक्र पृथ्वी के मौसम चक्र और पृथ्वी की घूमने की गति के बराबर ही है। सौर मंडल में हमारी पृथ्वी के अलावा मंगल ग्रह पर हमारे जीवन की संभावना ज्यादा है और पानी की भी संभावना है। हालांकि अभी तक मंगल के ऊपर तरल पानी नहीं पाया गया है, लेकिन इसके ऊपर दक्षिणी ध्रुव में बर्फ की बहुत बड़ी चोटी है। अगर यह पूरी बर्फ पिघल जाए तो मंगल ग्रह की सतह 11 फीट तक पानी के अंदर डूब जाएगी। भूविज्ञानिकों द्वारा मिले प्रमाण के अनुसार पहले मंगल ग्रह के ऊपर तक पानी बड़ी अवस्था में मात्रा थी। मंगल के वायुमंडल में 95.32% कार्बन ऑक्साइड, 0.30% ऑक्सीजन की उपस्थिति है और वैज्ञानिक इसके ऊपर ऑक्सीजन की उपस्थिति को 20% तक बढ़ाने की खोज कर रहे हैं। इसके साथ साथ मंगल के ऊपर यूरेनियम, थोरियम जैसे तत्व मिले हैं, जो कि इस समय चर्चा का विषय बने हुए हैं। विषय पर एक वैज्ञानिक का मानना है कि मंगल ग्रह के ऊपर पहले कोई एलियन सभ्यता रहती थी, लेकिन उस सभ्यता को किसी एडवांस एलियन सभ्यता ने न्यूक्लियर बम से खत्म कर दिया। लेकिन इस बात को साबित करने के लिए डॉक्टर जो नंबर उस वैज्ञानिक के पास अभी तक कोई खास बड़ा प्रमाण नहीं है।
और उसके अलावा और वैज्ञानिकों ने भी ऐसी कोई खोज नहीं की है जिसके बाद यह पता चल जाए कि यह बात सत्य है, उन्हें यह महसूस हो जाए पहले यहाँ पर कोई सभ्यता रहती थी। हालांकि इन सभी सवालों का जवाब हमें 2030 के मिशन जर्नी टू मार्स में मिल जाएंगे, जिसके अंदर नासा इंसानों को मंगल ग्रह के ऊपर भेजने के लिए पूरी तरह से काम कर रहा है। इस मिशन के ऊपर नासा के वैज्ञानिक चांद के ऊपर भी इंसानों को कई महीनों तक खोज करने के लिए भेजने वाली है। नासा ने इस मिशन के ऊपर अब तक अपने करोड़ों खर्च कर दिए हैं और इस मिशन के लिए नासा बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है। वहाँ लोग दिन रात इसी काम के लिए जुटे हुए हैं और शायद बहुत ही जल्दी नासा के द्वारा लोगों को चांद और मंगल ग्रह के ऊपर जीवन संभव करने के लिए भेजा जाएगा और हम आशा करते हैं कि वहाँ पर बहुत ही जल्दी हमारी मनुष्य जाति जीवन को संभव कर पाएगी और वहाँ पर भी हम रहेंगे। और इससे हम अगर हमारी धरती के ऊपर कुछ भी विनाशकारी होता है तो उसके ऊपर मंगल या चांद ग्रह के ऊपर हम बिना किसी दिक्कत के या बिना किसी परेशानी के रह सकते हैं और बिल्कुल सुरक्षित हम उसके ऊपर रहेंगे और हमारी मनुष्य जाति कभी खत्म नहीं होगी। और आने वाले कुछ ही सालों में चांद और मंगल ग्रह के ऊपर सभी लोग आसानी से जीवन यापन करेंगे क्योंकि वहां पर जीवन का संभव करने के लिए बहुत सी चीजें हमें मिलती है। सबसे ज्यादा हमें पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन चांद और मंगल दोनों ग्रह के ऊपर हमें पानी बहुत मात्रा में मिलता है। इन ग्रहों के ऊपर हमें तरुण मात्रा में तो पानी नहीं मिलता है, लेकिन वहां पर जो बर्फ है वह हमारे जीवन के लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकती है। उस बर्फ का पानी हमारे लिए बहुत काम की चीज है और वह हमारे लिए बहुत ही महत्व रखेगी जब हम मंगल ग्रह पर कभी हमारा जीवन संभव कर रहे होंगे, क्योंकि अगर देखा जाए तो हमारे जीवन को संभव करने के लिए चांद और मंगल ग्रह बिल्कुल हमारी धरती के समान है। इनका बहुत सा वातावरण हमारी धरती के वातावरण से मिलता जुलता है और हमारी धरती से संबंधित बहुत सी चीजें वहाँ पर मिलती है, तो इससे हमें वहाँ पर रहने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने आपको मंगल ग्रह पर जीवन, मंगल ग्रह की जानकारी, पृथ्वी से मंगल ग्रह की दूरी, मंगल ग्रह पर पानी, मंगल ग्रह पर भारत, मंगल ग्रह पर जीवन संभव है, मंगल ग्रह पर एलियन, मंगल ग्रह फोटो के बारे में कुछ महत्व जानकारी बताई जो कि शायद आप नहीं जानते थे। अगर इसके बारे में कुछ और जानना चाहते हैं या अगर आपका कोई सुझाव या सवाल है तो नीचे कमेंट करें और अगर यह जानकारी आपको फायदेमंद लगी हो तो इसे शेयर करना ना भूलें।